भाई साहब, इन तस्वीरों को देख करके हम हैरान हो गए, क्योंकि हम तो बिजली विभाग पहुंचे थे कि बिजली बिल जमा कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट हम नहीं कर पाते हैं। भाई साहब गांव के जो रहने वाले हैं, लेकिन इतना सारा भीड़ देखा तो हम तो आश्चर्यचकित रह गए। और मामला पूछने गए तो भाई साहब सारे अधिकारी थे जो धरने पर बैठे, माफ कीजिएगा अधिकारी अकेले नहीं थे, कर्मचारी भी थे। पूरा मामला सुनना चाहेंगे? अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? तो आइए पूरा मामला सुनते हैं और आप इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा माहौल बना रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिघटन के निजीकरण के फ्रेंचाइजी मॉडल लाने के विरोध में आज लगातार पाँचवा दिन कार्य बहिष्कार का है। क्या करेंगे अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? क्या उद्देश्य, क्या मुख्य मुद्दा क्या है आपका? देखिए, अभी तक केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय पदाधिकारियों का निर्देश था कि आप लोग प्रत्येक जनपद में मुख्यालयों पर रोज 2 से 5 कार्य बहिष्कार करिए। आज कार्य बहिष्कार का, ये 2 से 5 के कार्य बहिष्कार का अंतिम दिन है। आज भी प्रबंधन से वार्ता चल रही है। केंद्रीय पदाधिकारियों का जैसा निर्देश आएगा आगे के लिए हम तैयार हैं और 5 अक्टूबर से पूरे दिन के कार्य बहिष्कार के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या करेंगे अगर तब भी कोई नहीं होती ऊपर से प्रबंधन? हम शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार करेंगे। कुछ रणनीति आगे तय करेंगे या? रणनीतियाँ यही है कि हम अपना काम, जो हमारा काम है, हम उसको बंद कर देंगे काम करना, शांतिपूर्वक हम बैठे रहेंगे। अच्छा, उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियाँ भी आएंगी जब आपका? देखिए, ये जो लड़ाई हमारी जनता के प्रति सहानुभूति है, लेकिन सरकार और प्रबंधन अभी तक हमारी मांगों को लेकर बहुत ही उदासीन है। यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी आया अभी तक? नहीं, सक्षम अधिकारी इस जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है, इसमें अभियंता संघ, जूनियर संगठन, कर्मचारी संगठन और मिली मजदूर संगठन, सभी लोग शामिल है। इसमें अधिकारी से लेके कर्मचारी तक, संविदा कर्मचारी तक भी इसमें शामिल है। तो सुना आपने कि क्या कह रहे हैं कर्मचारी? फिलहाल कुछ भी कहिए, अब निजीकरण को लेकर के लगातार ये लोग बहिष्कार करने पे तुले हैं। अब इनकी समस्याओं का समाधान होता है या नहीं, या इनकी कोई बात सुनेगा या नहीं, लगातार धरने पर बैठे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल बाराबंकी जयपुर से उत्तर प्रदेश के ABN न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई होगी या नहीं आई होगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।